निवेदिता शुक्ला। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके खिलाफ आतंक का पनाहगार होने के न जाने कितने सबूत हैं, लेकिन फिर भी खुद को पाक साफ बताते हुए खुद को आतंक से पीड़ित बताता आया है। अमेरिका भी पाकिस्तान को कई बार आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की हिदायत दे चुका है और नहीं मानने पर पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक भी लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है और पाक की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन जारी है। वो लगातार कश्मीर में आतंक फैलाने की अपनी नापाक कोशिशों में जुटा रहता है। वहीं अब अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ डैन कोट्स के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भारत और अफगानिस्तान दोनों जगह आतंकवादी हमले जारी रखेंगे। कोट्स का कहना है कि पाकिस्तान के कुछ समूहों का नीतिगत तौर पर इस्तेमाल कर आतंकवादी निश्चित तौर पर तालिबान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे एंटी टेररिस्ट प्रयासों को भी सफल नहीं होने देंगे। कोट्स ने अमेरिकी सांसदों को भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी भारत को सतर्क करने की बात कही। कोट्स ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव तक बीजेपी भारत के हिंदू राष्ट्रवादी होने पर ही जोर देती रही तो भारत में सांप्रदायिक हिंसा होने की आशंका बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, कोट्स ने भारत और चीन के रिश्तों के बारे में भी बात की। कोट्स ने भारत और चीन के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहने की बात कही, भले ही इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कितनी ही कोशिशें क्यों न कर लें। इसके अलावा कोट्स ने भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के निरंतर विकास और वृद्धि के चलते साउथ एशिया में परमाणु सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बढ़ने की भी आशंका जताई है। बता दें कि सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश होने वाले प्रमुख लोगों में डैन कोट्स के अलावा हाल ही में भारत की अपनी यात्रा से लौटी CIA की डायरेक्टर जिनास हेस्पर, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे और अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर रॉबर्ट एशले भी शामिल थे, जो खुफिया मुद्दों पर सीनेट की सिलेक्ट कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे।